हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 के लिए, कक्षा 9 के लिए संस्कृत विशिष्ट विशिष्ट संस्कृतम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वार्षिक परीक्षा जैसे कि आपकी हो रही है कुछ दिनों में, उसके लिए ये पेपर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इन प्रश्नों का लाभ उठाएं, ताकि आपका एक रिवीजन हो सके, आप एक मॉडल पेपर की तरह इसको लें और सोल्व करने का प्रयास करें। इन प्रश्नों को मैं भी सोल्व करके बताऊंगा, सभी जो प्रश्न हैं इनके उत्तर मैं आपको दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और सभी उत्तर जो है सही रहेंगे, आप चाहें तो उनको कॉपी में नोट करते चलें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि वो इसका लाभ उठा सके। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। तो एक बार फिर से बता दूं, विशिष्ट संस्कृतम है संस्कृत विशिष्ट। वैसे जो सामान्य संस्कृत के स्टूडेंट रहेंगे वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा चेंज नहीं रहता है, थोड़ा बहुत ही चेंज रहता है। तो क्या है प्रश्न? भागस्य विग्रहण क भागस्य विग्रहान ख भागस्य समुचय संधि पदे सह मिलनम। जो उचित संधि पद रहेगा उसके साथ मिलान करना है फ्रेंड्स। तो क्या है? सबसे पहले सत प्लस आचार, सत प्लस आचार मिलके सदाचार बनता है, इसलिए सदाचार मिल जाएगा, समय है। मनः प्लस रथ तो मनोरथ बनता है। फिर है यदि प्लस अपि तो यद्यपि बनता है, और वाक प्लस में तो वांग्मय बनता है। तो इसका ये मैचिंग हो गया, तो आप इसको देख लें। नेक्स्ट रहेगा चतुर्थ प्रश्नेषु उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुन करके आपको टिक करना है, मतलब उचित विकल्प चुन करके आंसर लिखना है। क्वेश्चन है महापुरुष है, महापुरुष इत्यस्य समास विग्रह भवत। जो महापुरुष शब्द है इसका समास विग्रह बताना है बच्चों आपको। तो महान पुरुष, महाचासो पुरुष, महान चासो पुरुष, या फिर महान च असो। तो आएगा महापुरुष का महाचासो पुरुष। क्या आएगा? महाचासो पुरुष इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उपकृष्णम इत्यस्मिन समस्त पदे समास अस्ति। इसमें कौन सा समास है उपकृष्णम में? अव्ययभाव समास, द्विगु समास, नंज तत्पुरुष समास, या फिर द्वंद समास? तो फ्रेंड इसमें रहेगा अव्ययभाव समास, उपकृष्णम अव्ययभाव समास ये रहेगा। नेक्स्ट है तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम नास्ति। ध्यान देना, नास्ति मतलब जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, युधिष्ठिर, महात्मा, राजपुरुष या फिर परोपकार है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपको बताना है। तो आंसर है इसका महात्मा, महात्मा जो है तत्पुरुष समास नहीं है। नेक्स्ट रहेगा विग्रह वाक्य प्रत्येक शब्द से अंते च इति अव्यय योजनम भवति। मतलब जो च करके, मतलब जो योजन करेंगे उसका हम समास विग्रह करेंगे तो आता है च, जैसे माता पिता, माता च, पिता च, ठीक है फ्रेंड्स। तो विग्रह वाक्य से प्रत्येक शब्द से अंते, प्रत्येक वाक्य के अंत में, ठीक है, प्रत्येक शब्द के अंत में, तो उसको हम बोलते हैं द्वंद समास। उसको हम क्या बोलते हैं? द्वंद समास बोलते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका एक खाली स्थान उचित धातु रूप त्रीणी वाक्यान पूर्यत। उचित धातु रूप भरना है, जैसे लव का भरना है और लट लकार भरना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आप इसको जरूर देखें। क्वेश्चन है श्रद्धावान, श्रद्धावान डैश ज्ञानम। अब लव का लट लकार भरना है, तो फ्रेंड इसमें क्या आएगा? लट लकार आएगा लभते। क्या आएगा? लभते आएगा, लभते, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा त्वम कदा डैश गम का लृट लकार भरना है, तो क्या आएगा? गमिष्यस। क्या आएगा? गमिष्यस इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट रहेगा माता भोजनम डैश पच प्लस लट लकार, तो क्या आएगा फ्रेंड्स? पचति आएगा। क्या आएगा? पचति आएगा। नेक्स्ट रहेगा शिशु दुग्धम डैश पा पर प्लस लृढ़ लकार, तो इसमें क्या आएगा आपको बताना है। तो पाश्यति आएगा, पाश्यति इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलेंगे कोष्ठकात उचित विभक्ति पदम चित्वा चत्वार वाक्य पूर्ति क्रियताम। जो उचित जो पद भर करके आपको वाक्य पूर्ति करनी है। तो क्या है? सबसे पहले आप देख सकते हैं
कि स डैश पश्यति, रमा रमाम या फिर रमह, तो आपको इसमें बताना है, फिल करना है क्या कौन सा आएगा। तो फर्स्ट है इसका क्या आएगा, रमा आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, रमा आएगा। ठीक है, जो सबसे पहले शब्द लिखा हुआ है रमा, आप कंफ्यूज मत होना, रमा आएगा ये वाला। नेक्स्ट है इसमें मम डैश नाम श्री अवधेश, पिता पितु या फिर पित्रा, तो फ्रेंड्स आएगा पितु, जो सेकंड में लिखा हुआ है पितु ये वाला वो आएगा। नेक्स्ट है डैश अनुज नवम कक्षायाम पठति, तो माम मत या फिर मम, तो आएगा फ्रेंड्स मम आएगा, मम। ठीक है मम। नेक्स्ट है डैश गृहम कुत्र अस्ति, त्वाम तव या फिर त्वम, तो आएगा तव। क्या आएगा, तव। नेक्स्ट है डैश नाम सुरेश, कस्य कस्या या फिर क, तो आएगा कस्य। क्या आएगा इसमें, कस्य इसका जो है सही आंसर होगा। चलेंगे अब नेक्स्ट प्रश्न पर। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, पूर्व एग्जाम की तरह ही आपका एक 2021 के लिए मॉडल पेपर जो है बनाया गया है 2021 के लिए, इसलिए आप जो है इस मॉडल पेपर को जरूर देखें और अपना लाभ उठाएं इसका। फिर है अशुद्ध वाक्यानाम समक्ष आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्ष न, मतलब हाँ या नहीं का उत्तर देना है आपको। तपोवने हरिणा विश्रब्धम न चरंती, तो ये क्या आएगा इसका, फोर्थ का जो है फर्स्ट ये है आम। क्या है आम, सॉरी ये न आएगा, न आएगा, ये तपोवने हरिणा विश्रब्धम न चरंती, तो न आएगा न। नेक्स्ट है अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयंती, तो ये क्या आएगा, ये आएगा आम आएगा, आम। नेक्स्ट है गुरु शुश्रूषया ज्ञानम न भवति, तो इसका आंसर क्या आएगा, न आएगा, न। क्या आएगा इसमें, जो आपका थर्ड है इसमें न आएगा। नेक्स्ट है प्रताप परतापनाशक आसीत, तो इसमें आएगा आम आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, आम आएगा। नेक्स्ट रहेगा फिफ्थ का निम्नलिखितासु द्वयो सुक्ति पूर्ति प्रदत्त शब्द कुरुतः, सुक्ति जो है इसको पूरा करना है आपको, तो क्या आएगा न्यायपाथ्य प्रविचलंती पदम न, तो धीरा वीरा या फिर कायरा, तो आप इसमें धीरा भरेंगे, धीरा। नेक्स्ट जो है आत्मन में आत्मन, तो इसमें आएगा समाचरेत सेकंड वाले में। डैश ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा गुणेशु। क्या आएगा सेकंड इसका जो है गुणेशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध कथन से समक्ष टिक कर राइट तथा अशुद्ध कथन से समक्षम क्रॉस, मतलब गलत चिन्ह कोष्ठते लिखन्तु। एक वादनम, एक वादनम, फिर नेक्स्ट है सार्ध एक वादनम, फिर पादो न द्विवादनम, तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट है वो तो ट्रू है सही, मतलब सेकंड जो है वो गलत है, ठीक है, और जो थर्ड है वो क्या है, वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए उत्तर देना है आपको एक पदेन, तो आपको जल्दी जल्दी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। सत्यस्य मुखम केन अपिहितम, तो इसका आएगा हिरण्यमय पात्रेण। क्या आएगा, हिरण्यमय पात्रेण। नेक्स्ट है इसका हितोपदेशस्य रचयिता क, तो पंडित नारायण। क्या आएगा, पंडित नारायण जो है हितोपदेश के रचयिता हैं। पद्मावती कस्य भगिनी आसीत, पद्मावती किसकी भगिनी थी, तो दर्श कश्य। क्या आएगा, दर्श कश्य इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसी में, संस्कृतम कस्य भंडागार है, तो संस्कृत किसका भंडार है, तो ज्ञानस्य मतलब ज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुखे कीदृशी वाणी भवितव्यता, तो आएगा सव्या वाणी, सव्या वाणी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आठवां, एकवचन और बहुवचन है, निम्नलिखित तेसु वाक्यद्वयम् एकवचनस्य बहुवचने परिवर्तनम्, बहुवचन बदलना है। बालकः फलम् खादति था और बालका फलानि, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, खादन्ति, खादन्ति लिख देंगे, तो
तो ये जो है बहुवचन बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, खादति खादंती आपने सुना होगा जब विभक्ति लिखते हैं, छात्रः विद्यालयं गमिष्यसि, क्या लिखा है गमिष्यति, तो इसमें क्या आएगा, इसको जो है हमें बहुवचन में बदलना है, तो छात्रा विद्यालयं गमिष्यन्ति लिख देंगे, क्या लिख देंगे गमिष्यन्ति लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा बालकः हसति, तो बालका क्या आएगा इसमें कि हम लिख दें कि ये जो है बहुवचन बन जाए, तो इसका आंसर आपको बताना है बालका हसंती, क्या आएगा बालका हसंती। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखें आगे के प्रश्नों के लिए, ताकि आपको उसका भी सोल्यूशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।